मणिपुर हिंसा के विरोध में संविधान चौक पर आंदोलन किया गया। आंदोलन कर्मियों ने कहा कि मणिपुर में जो भी हुआ वो बहुत ही शर्मनाक है, जबकि केंद्र और राज्य की सरकारें इस पर मौन साधे हुए हैं। मणिपुर पिछले 3 महीनों से हिंसा और वैशीपन की आग में दहक रहा है। वहां सरेआम लोगों को मारा, काटा और मकान जलाए जा रहे हैं। महिलाओं के साथ बर्बरता की हदें पार की जा रही है, लेकिन वहां की भाजपा सरकार इस पर कुछ करने की जगह हाथ पर हाथ रख कर बैठी हुई है। इतना ही नहीं, मणिपुर में हो रही हिंसा को वहां की भाजपा सरकार शांत करने के बदले उल्टे भड़का रही है। आंदोलनकारियों ने कहा कि हिंसा में कई लोग मारे गए, सैकड़ों बच्चे अनाथ हो गए, ये सब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और इसके खिलाफ मंगलवार को आंदोलन किया गया। हुआ नहीं हुआ है तो ये जो सरकार है, ये सरकार कुछ यानी कि ध्यान नहीं दे पा रही है, यानी कि ये जो महिला है आज क्या सुरक्षित है क्या हमारे देश में? तो आज महिला सुरक्षित नहीं है, तो हम यही चाहते हैं, हमने आज मैदान में उतर कर हम निषेध करते हैं जो महिला के साथ बहुत नग्न करके उनको घुमाया है, उन पर अत्याचार किया है। तो वहाँ पे उन जो 4 लोग हैं जो जिन्होंने किया है ये कांड, उनको फांसी की सजा होना चाहिए और हम उनके लिए हम संघर्ष करेंगे जब तक कि उनको न्याय नहीं मिलता। हम सब आंगनवाड़ी कर्मचारी मैदान में उतरेंगे और उनके लिए लड़ेंगे। सबसे पहले आपका नाम बताइएगा और आज जो जाहिर निषेध कर रहे हैं उसके बारे में। मेरा नाम अभिजीत झा है। पिछले 3 महीनों से जिस प्रकार मणिपुर में हिंसा जारी है, वहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों की, निर्दोष लोगों की मृत्यु हो चुकी है, लोगों के घर जलाए जा रहे हैं और आपसी समाज के तनाव में मणिपुर राज्य, जो एक खुशहाल राज्य के नाम से जाना जाता है, आज वहाँ पर परिपूर्ण रूप से अमन चैन, भाईचारा, लोगों में आपस में झगड़े पैदा हो चुके हैं, लोग एक दूसरे को मारने के लिए निकल चुके हैं सड़कों पर। और ये सारी घटनाक्रम को देखते हुए भी हमारी केंद्र की मोदी सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। वहाँ की राज्य सरकार परिपूर्ण रूप से असमर्थ हो गई है इस हिंसा को रुकवाने के लिए, और कहीं ना कहीं राज्य सरकार का ही प्रोत्साहन है कि वो इस सारे हिंसा को रुकवाने में बिल्कुल भी रुचि नहीं ले रही है। आज 3 महीने से वहाँ पर धारा 144 लगा है, इंटरनेट्स बंद है, वहाँ पर किस प्रकार का माहौल है, बहन बेटियों के साथ में दुष्कर्म हो रहे, उनके साथ बलात्कार हो रहे, उनके साथ में लोग जो वहाँ की मशीनरी है, पुलिस फोर्सेस हैं, वो भी उन्हें मदद नहीं कर रही है, तो ये बहुत ज़्यादा दुखदाई है। पिछले हफ्ते एक वीडियो वायरल हुआ संपूर्ण देश में, उस वीडियो को देखकर लोगों की आत्मा बहुत ही ज़्यादा दुखी हुई है और एक आक्रोश सभी के मन में निर्माण हो रहा कि देश में जब इतनी मजबूत सरकार है, डबल इंजन सरकार है, दिल्ली में भी केंद्र सरकार भाजपा की और मणिपुर में भी भाजपा की सरकार है, उन्होंने अभी तक कोई सख्त कदम क्यों नहीं उठाए? देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से और वहाँ की राज्यपाल मणिपुर, उनसे विनम्रतापूर्वक आग्रह है, तत्काल गंभीरतापूर्वक संज्ञान लेकर आपने वहाँ की राज्य सरकार को बर्खास्त कीजिए और वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाइए और तुरंत वहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस, आर्मी, CRPF डिप्लॉय कीजिए ताकि वहाँ पर शांति बहाल हो। जो भी इंटर बॉर्डर मिलिटेंट्स या फिर वहाँ के वातावरण को खराब करने के लिए दोषी हैं, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि जिस प्रकार महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहे, उनके साथ बलात्कार किए जा रहे, उन्हें निवस्त्र करके परेड किया जा रहा, इससे बुरे हालात हम सारे लोगों के सामने और क्या हो सकते कि हमारे देश की बहन बेटियां असुरक्षित है, वो मेंटल ट्रॉमा में है, उनके साथ में जिस प्रकार से वहां पर घटनाएं हो रही है। वहीं आंदोलनकारी महिलाओं ने मांग करते हुए कहा कि मणिपुर में बदतर हालात को देखते हुए वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। NBC News के लिए राजकुमार मोड़ के साथ स्वप्निल बुंदाड़ की रिपोर्ट।